आपने फ्लैट बुक तो किया है, पर होता क्या है, डेवलपर अधिकांश रूप में करते क्या हैं, उतना जो है पैसा आपको डेवलपर देगा, ऐसी चीज एग्रीमेंट में लिखी गई है। तो आपके लिए पेन ज़्यादा है, आप लोन भी ज़्यादा देते हो और आपका पोजीशन भी डिले होता है, फिर आपका इंटरेस्ट भी एक तरफ जा रहा है, एक तरफ आपका जो है रेंटल भी जा रहा है, और आपके साथ जो मेंटल प्रेशर है, जो एक नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, ये सवाल जवाब का 123वां एपिसोड है, जहां पर होते हैं आपके सवाल और सौदागर के जवाब। यदि आपको प्रयास पसंद आए तो लाइक शेयर तो करना ही है, यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको रियल इस्टेट से जुड़ी, रियल इस्टेट के इंफ्रा से जुड़ी तमाम जानकारियाँ लगातार मिलती रहेंगी। चलिए सवाल जवाब की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल लेते हैं, अशोक खोड़के जी, इन्होंने लिखा है, आई हैव बुक्ड ए फ्लैट विद कवर्ड कार पार्किंग बट द बिल्डर इज नॉट मेंशनिंग इट इन एग्रीमेंट, नॉट इवन ए कवर्ड वर्ड, व्हाट शुड आई डू। देखिए, आपने फ्लैट बुक तो किया है, पर होता क्या है, डेवलपर अधिकांश रूप में करते क्या हैं, आपका जो बाइफर्केशन होता है कॉस्ट का, उसमें ये चीज़ नहीं मेंशन करते हैं कि आप पार्किंग खरीद रहे हैं या फिर वो पार्किंग बेच रहा है। तो उसका अगर वो बाइफर्केशन नहीं दे रहा है, आपको इंफ्रा चार्ज के नाम पे, आईडीसी के नाम पे वो ले रहा है पैसा, आईडीसी यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चार्ज के नाम पे, तो फिर वो क्या करेगा कि आपको ये लायबल नहीं है कि वो आपके साथ फ्लोर प्लान वो लगाए, उसका लिख के दे, ये सब चीज़ें, यानी कि जो महारेरा का नया गाइडलाइन कहता है कि अगर डेवलपर आपको पार्किंग बेच रहा है तो उसका पूरा डायमेंशन, उसका जो एक तरीके से एनेक्सर में उसका मैप भी अटैच करना होगा कि वो पार्किंग किस तरीके की होगी, उसका एरिया कितना होगा, पार्किंग नंबर क्या होगा और किस तरह की पार्किंग, ये सारी चीज़ उसमें मेंशन करनी होती है। अब लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आपने कवर्ड कार पार्क के साथ खरीदा और वो जो है कवर्ड वर्ड भी नहीं यूज कर रहा है आपके एग्रीमेंट में, तो कम से कम आप उनसे कहिए कि आप हमें जो है एक तरीके से कवर्ड कार पार्क का हमें एक लेटर इशू कर दीजिए, मेल पे या हार्ड कॉपी। कम से कम आपके पास कुछ तो ऐसा होना चाहिए पुख्ता चीज़, जब आप पोजीशन लेने जाएं तो आप उनसे क्लेम कर पाएं कि आपको कवर्ड कार पार्क ही मिलनी है। अदरवाइज आपसे कवर्ड कार पार्क कह के बुकिंग तो ले ली गई, हो सकता उस वो आपके लिए डिसीजन मेकिंग फैक्टर रहा हो, पर वो बाद में आपके साथ समस्या हो क्योंकि वो लिखने के लिए भी नहीं तैयार है। तो एटलीस्ट उनको बोलिए, ठीक है आप उसमें पार्किंग नंबर, कवर्ड कार पार्क नहीं अगर लिख पा रहे हैं तो हमें एक लेटर इशू करिए, फिर मेल पे लिख के हमें भेजिए कि आपके फ्लैट के साथ कवर्ड कार पार्किंग है और वो पोजीशन के टाइम पे वही दी जाएगी। आगे चलते हैं, ह्यूमन करके इनके साथ चैनल का नाम है, इन्होंने लिखा है, डज ए क्रेडिट नोट ऑन ए लेटर हेड हैव एनी लीगल वैल्यू, सम बिल्डर आर गिविंग क्रेडिट नोट्स इफ पोजीशन गेट डिलेड। देखिए ह्यूमन जी, आप एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, अगर आपका पोजीशन डिले हो रहा है तो एक पोजीशन डेट आपके एग्रीमेंट में भी लिखा गया है, उसके लिए अलग से क्रेडिट नोट वो किस बात का दे रहा है, क्या वो कुछ अमाउंट के लिए दे रहे हैं कि वो जो फाइनल सेटलमेंट होगा आप इतना कम करके पैसा हमें देना। देखिए दोनों केस में, अगर मान लीजिए डेवलपर डिले करता है तो डिले करने की सिचुएशन में एग्रीमेंट में दो क्लॉज मेंशन होते हैं, एक तो अगर आप उस प्रॉपर्टी में अपने फ्लैट को रिटेन करना चाहते हैं यानी कि वो रखना ही चाहते हैं, आप उसमें से एग्जिट नहीं होना चाहते हैं, तो 2% प्लस SBI का जो MCLR रेट होगा, मैक्सिमम लेंडिंग प्राइस जो होती है उसमें 2% जोड़ के डेवलपर को देना पड़ेगा जो डेट मेंशन है पोजीशन का और जितना वो डिले कर रहा है, यानी जब फाइनल पोजीशन मिल रहा है उसके बीच का जो गैप है उतना जो है पैसा आपको डेवलपर देगा, ऐसी चीज़ एग्रीमेंट में लिखी गई है। और अगर आप वहाँ से डिले होने की सिचुएशन में एग्जिट कर रहे हैं तो यही सेम सिचुएशन, 2% प्लस SBI का जो MCLR रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाईएस्ट रेट के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने जितना पैसा डेवलपर को दिया उतना उसमें ऐड करके वो देगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जब भी डिले होता है डेवलपर आपको, आप उससे चाहे लड़ लीजिए चाहे मेल पे कर लीजिए, आपको ये कंपनसेशन देता नहीं, क्योंकि उसको पता है कि सैकड़ों लोग हैं, एक को दूंगा तो सारे लोग खड़े हो जाएंगे और मेरा फिर तो सबको देते कंपनसेशन देने की स्थिति में भी मैं नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फंड लोगों को देना होगा, तो भी आपको जाके महारेरा में जो है केस करना ही पड़ेगा, पैरेलली आप कंज्यूमर फोरम में भी आपको करना होगा। तो लेटर हेड उसमें कौन सा नया रोल प्ले कर देगा, अगर लेटर हेड होगा भी तो क्या कर देगा, क्या वो जो है जो कह रहा है कि आपके लिए एश्योरिटी के लिए मैं दे रहा हूँ, भाई एश्योरिटी के लिए तो आप तो डेट ऑफ पोजिशन लिख ही रहे हैं ना एग्रीमेंट में, डेवलपर कभी भी उसके बेस पे आपको कंपनसेशन देता नहीं है जब तक कि उस कोर्ट की तरफ से ऑर्डर ना आ जाए, तो चाहे वो लेटर हेड दे दे चाहे वो एग्रीमेंट में लिख दे, आपको तो कोर्ट जाना ही पड़ेगा अगर वो डिले करता है। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़िए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि बाकी प्रोजेक्ट को कब डिलीवर किया है, अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड आपको लग रहा है हाँ यार ठीक है ये टाइमली देता है
10 में से 8 से 9 प्रोजेक्ट इसके जो है ऑन टाइम डिलीवर्ड हैं या कई बार प्रीपोन भी किया तो ठीक है। अगर 10 में से 6 बार 7 बार 5 बार वो डिले ही कर रहा है तो फिर इन सब चीज़ों पे थोड़ा भी भरोसा मत करिए कि ये वो, क्योंकि आप अपना पूरा पैसा लगा रहे हो। और अधिकतर लोग फंसते वो हैं जो एंड यूज़र हैं, तो आपके लिए पेन ज़्यादा है, आप लोन भी ज़्यादा देते हो और आपका पोजीशन भी डिले होता है, फिर आपका इंटरेस्ट भी एक तरफ जा रहा है, एक तरफ आपका जो है रेंटल भी जा रहा है, और आपके साथ जो मेंटल प्रेशर है, जो एक इमोशनल टॉर्चर आपके साथ हो रहा है कि आपको घर मिलेगा, ऐसा आपने तमाम ख्वाब तमाम जो है यादें उसके साथ बसाने के लिए चीज़ें मन में बिठा लेते हैं, वो सब चीज़ों पे जो है एक तरीके से डंडा लग रहा है। प्लस लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी भी है, अपॉर्चुनिटी की भी लॉस है भाई, जो उस समय और भी जहाँ जो अच्छे प्रोडक्ट पे आप ले पाते, अब उसके रेट भी बढ़ चुके हैं, तो यहाँ एग्जिट होके भी क्या फ़ायदा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए और उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। अगर आपको कोई मन में कोई ऐसी दुविधा है जो लगता है कि ये वीडियो के माध्यम से नहीं मिल पा रही, तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिए, अदरवाइज हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे क्लिक करिए, अपनी समस्या हम तक साधारण भाषा में पहुँचा दीजिए, कोशिश रहेगी आपको इन पर्सन उस पर सोल्यूशन कुछ ना कुछ दिया जाए। आगे चलते हैं, इसमें प्राजे करके हैं, इन्होंने लिखा है, इन डिमांड लेटर इट्स मेंशन दैट पेमेंट टू बी रिलीज व्हेन कंप्लीशन ऑफ थर्ड फ्लोर स्लैब ऑफ बिल्डिंग इन विच द सेड अपार्टमेंट इज लोकेटेड। व्हाट कंप्लीशन डू आई हैव टू कंसीडर व्हेन दे से स्लैब, थर्ड फ्लोर रूफ और थर्ड फ्लोर फ्लोर, व्हाट्स द रूल एज पर रेरा, कुड यू प्लीज हेल्प मी हियर। देखिए, जो आप कंप्लीशन ऑफ थर्ड फ्लोर कह रहे हैं, इसमें एक बार ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें कि कंप्लीशन है या कमेंसमेंट ऑफ थर्ड फ्लोर है। अगर कमेंसमेंट ऑफ थर्ड फ्लोर है, यानी कि थर्ड फ्लोर का स्लैब, यानी कि ये आपका तीसरा फ्लोर है और इसके ऊपर इसका स्लैब रहेगा, ये स्लैब कमेंस करने जा रहे हैं, कमेंस कर दिया यानी कि इसको ढालने अब जाने वाले हैं, तो आप सब डिमांड कर सकते हैं। कंप्लीशन की बात हो रही, तो जाहिर सी बात है जब उसका स्लैब जो आप जिसको रूफ कह रहे हैं वो कंप्लीट होने के बाद ही जो है कास्ट करने के बाद ही वो आपसे डिमांड कर सकते हैं, ये इस तरीके से रहता है। बाकी अब आपको उसमें दुविधा क्यों लग रही, हो सकता है ऐसा हो आपके केस में ऊपर का स्लैब ना पड़ा हो, उसके पहले डिमांड आ गया हो, तो ऐसे केस में आप एक बार देख लें वो कमेंसमेंट है या कंप्लीशन है, क्योंकि दोनों में फ़र्क है। कमेंसमेंट यानी कि वो करने जा रहे हैं, और कंप्लीशन यानी कि वो कंप्लीट हो चुका है। आगे चलते हैं, अपूर्व गौरव जी हैं, इन्होंने लिखा है, सर ग्रीटिंग फॉर द डे, आई विश टू मेक सम चेंजेज इन द एग्रीमेंट ड्राफ्ट, डज रेपुटेड बिल्डर एड द क्लॉज विच आई एम विलिंग टू एड। देखिए क्या होता है, कोई ऐसे पॉइंट है जो म्यूचुअली आप लोग एग्रीड कर रहे हैं, तो कुछ केसेस में डेवलपर ऐड कर लेता, नहीं तो अधिकांशता क्या होता है, वो अपना एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट बना लेते हैं, उसमें केवल आपका नाम, आपका एड्रेस, आपके जो बाकी डिटेल हैं, चाहे वो पैन वगैरह, यही चेंज करता है डेवलपर, उसमें कोई आपके कहने पर वो कोई स्पेशल चीज़ ऐड नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो ऐड कर रहा है तो जो बाकी बायर्स हैं उनके हिसाब की भी कुछ चीज़ें ऐड करनी होंगी, और सबका ट्रैक कर पाना कि किसके लिए क्या ऐड किया हूँ, क्या देना है, क्या करना है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो डेवलपर इससे बचता है कि हर किसी इंडिविजुअल केस में मैं एग्रीमेंट में कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता, ये हमारा स्टैंडर्ड ड्राफ्ट एग्रीमेंट है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है, अगर आपको लगता है यार ये बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है जहाँ पर शायद मैं एग्री नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकती हूँ, तो ऐसे केस में आप मत आगे बढ़िए, आप वहाँ से एग्जिट कर लीजिए। क्योंकि मैं बता रहा हूँ 99.9% केसेस में डेवलपर चाहे छोटा हो, बड़ा हो, रेपुटेड हो, नॉन रेपुटेड हो, वो क्लॉजेज नहीं ऐड करते हैं एक्स्ट्रा, ना तो कोई चेंजेस करते हैं। हाँ, एक्सेप्ट कि उसमें कुछ गलतियाँ हों, जैसे कुछ एरर्स ऐसा हों, तो वो कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। तो अगर कुछ स्ट्रांग पॉइंट ऐसा है जो कि आपको लगता है नहीं यार ये चीज़ तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, तो आप बिल्कुल वहाँ पे आगे मत बढ़िए। आगे चलते हैं, सनी थकवानी जी, इन्होंने लिखा है, व्हाट हैपेंस टू दोज फ्लैट वेयर बायर्स फेल टू पे ईएमआईज टू बैंक, हैव सीन वीडियो सर्कुलेटिंग दैट दीज फ्लैट आर सोल्ड बाई बैंक्स एट 20-25% डिस्काउंट रेट, इज दिस रियल, इफ सो हाउ कैन वन फाइंड दीज फ्लैट्स। देखिए सनी जी, क्या होता है, जब डेवलपर आपको जब बैंक मॉर्टगेज देती है, तो आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो बैंक के साथ होता है, और आप बैंक के साथ भी एक एग्रीमेंट करते हैं, उसमें साफ लिखा होता है अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं मल्टीपल टाइम्स, तो बैंक के पास ये राइट है कि आपको दो बार तीन बार वो रिटर्न नोटिस भेजेगा कि आप अपने लोन का रीपेमेंट करिए। अगर वो आप ईएमआईज नहीं भर रहे हैं या पेंडिंग ईएमआईज को कुछ उनके साथ सेटलमेंट करके आगे आने वाले समय में नहीं भरने के लिए तैयार होते हैं, तो बिल्कुल उसके पास राइट होता है कि वो आपकी प्रॉपर्टी को बेच दे। उसका सबसे पहला टारगेट ये होता है कि जो उसका लोन अमाउंट है वो रिकवर हो जाए। अगर उससे कुछ एक्स्ट्रा वो रिकवर होता है, सपोज़
तो वो पैसा जो है जो लास्ट ओनर है उसको दे दिया जाता है। ऐसे केस में हर बैंक लगातार ई ऑक्शन ऑक्शन जो है वो निकालते रहते हैं, उसके आप बैंक के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। सबसे अच्छा ये रहता है कि ये न्यूज़पेपर में भी गजट करते हैं, अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो भी आपको चीज़ें दिख जाती हैं, नहीं तो सिंपल आप गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं। पर हाँ ये है कि जब आप सर्च कर रहे हैं तो उसमें उस टाइम पे अगर होगा कुछ ऐसा नोटिस निकाला होगा बैंक ने तो दिखाएगा जिस भी बैंक के प्रॉपर्टीज़ आती हैं, तो वो वहाँ से जाके आप उसे एक तरीके से ऑनलाइन ही सबमिट कर सकते हैं, अपना बिड लगा सकते हैं और फिर जो भी प्रोसेस है वो बैंक टू बैंक डिफर करता है वो आपको बता देंगे। मेरा मानना ये है कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ में अगर आप लोग एंड यूज़र हैं, मेरा ये खुद का मानना है, अगर आप एंड यूज़र हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति उसे अपने घर के लिए लिया था, उसमें तमाम पेमेंट वो कर भी चुका है क्योंकि इनिशियल 20-30% तो इंसान करता ही है, और उसके बाद किसी सिचुएशन से, किसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन से या किसी ऐसी दुविधा में आने के बाद, फाइनेंशियल क्रंच आने के बाद ही वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है और घर उसके हाथ से अगर छूट के कहीं और जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो है उसमें एक निगेटिविटी जो है ज़रूर जुड़ी रहेगी जो एंड यूज़र होगा। मेरा मानना है, हो सकता है आप इससे इत्तेफाक ना रखते हो, पर अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ठीक है, अगर आप एंड यूज़र हैं तो थोड़ा इससे बचें। और यही कारण है कि इस विषय पे हमने कभी भी डिटेल वीडियो बनाया नहीं है। आप लोग कहेंगे, बहुत से और लोगों के रिक्वेस्ट आएंगे, तो ज़रूर कोशिश रहेगी कि इस पे पूरा डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए लाया जाए। साथियों, आप सभी को सौदा घर का प्रयास कैसा लगता है हमें कमेंट में लिख के बताएं, लाइक शेयर करें। यदि आप पहली बार देख रहे हैं और तमाम जानकारियां रियल एस्टेट से जुड़ी जानना चाहते हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।